प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक के खेड़ी सांपला राशन डिपो में खराब राशन बांटने का मामला सामने आया है। दरअसल डिपो में 5 महीने पुराना खराब राशन लोगों को बांटा जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। बता दें कि इस राशन में गेहूं चावल तो कम है, लेकिन कीड़ों की संख्या बहुत अधिक है। आप देख सकते हैं कि ये राशन फिलहाल खाने के लायक तो नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि इस डिपो में 215 कार्ड आते हैं जो यहाँ से राशन खरीदते हैं, लेकिन डिपो होल्डर ने अक्टूबर में रुके गेहूं को अब जनवरी में बांटना शुरू किया है, जो कि पूरी तरह से खराब हो चुका है। यो जो सनाइयों ने बस कैसे विनोद, अरे इतना गंदा राशन बांटा है जिसकी कोई हद कोना है। ये आटे के ऑर्डर हो रहे गवर्नमेंट के, अरे यो भी पुराने गेहूं देवे हर जिनमें कीड़े चल रहे सुलसी हो रही है। कि आपको आटा नहीं देता, जबरदस्ती क्यों दे रहा है? जबरदस्ती क्यों दे रहा है जी, आटा को नहीं देता। आटा भी देखा तो उसमें मुझसे मिंगन करके जा रहे हैं कि आटा लेवा उसका जी। मतलब इसका मतलब व्यवहार कैसा है? इसका व्यवहार है दारू पिए रहे है सारी अना और भद्दर भाषा में बोल रहे है, घना गंदा बोल रहे है। वहीं इस मामले में डिपो होल्डर ने बताया कि राशन की सप्लाई पीछे से ही खराब आती है। वो पीछे से आ रहा है जी, स्टॉक पहले का बैलेंस पड़ा क्यों? कितने लंबे समय से आपके पास स्टॉक पड़ा है? ये 3-4 महीने, 5 महीने हो गए। 5 महीने का जो बेकार गेहूँ पड़ा है? बेकार तो नहीं है, वो नीचे से कीड़े निकले रहे हैं, आगे से कट्टे आ रहे थे, लग गए जो हमें पकड़ गए। 5 महीने पुराना जो राशन है आप उसको बांट रहे, उसमें कीड़े लग रहे, क्या पब्लिक बीमार नहीं होगी इसको खा के? मैं जो लेगा उसको दे दूंगा, नहीं वापिस को चाह दूंगा। इसको बदलवाने के लिए अपना अधिकारियों को कहा हो या इसको बदलवाना चाहते हो? आप अधिकारी क्या कह रहे हैं? मैंने पहले बोला था तो बोले पहले गेहूँ बांटो। किन्होंने कहा आपको गेहूँ बांटने के लिए? इंस्पेक्टर बोले गया था इससे पिछले महीने भी। कौन इंस्पेक्टर था? आर्य था। उन्होंने बोला था आपको गेहूँ बांट दो? पहले गेहूँ क्यों नहीं बांटा है? गेहूँ बांट भी चला। इस मामले को लेकर जब फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर को बुलाया गया तो डिपो होल्डर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची सब इंस्पेक्टर ने राशन डिपो के दरवाजे पर बिखरी गेहूं को देखा, जिसमें कीड़ों की लंबी लाइन थी। वहीं इसको लेकर इंस्पेक्टर ने कहा कि राशन के रखरखाव की जिम्मेदारी डिपो होल्डर की होती है और इस पर लापरवाही के चलते डिपो होल्डर पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे इसके गेहूं में शिकायत आई है कि गेहूं में डिपो पे आने के बाद सुर्खियां दिख रही है बाहर, इसका डिपो बंद है। अब ये गेहूं इसको बोला गया था कि आप अपना बकाया जो गेहूं का स्टॉक है उसको बांट दो, लेकिन इन्हें बार बार कहने पर भी स्टॉक नहीं बांटा और इसकी लापरवाही के कारण ये गेहूं खराब हो गया है जो पब्लिक के खाने के लायक नहीं रहा है। कितने महीने पहले का स्टॉक है मैडम? ये कम से कम 4-5 महीने का पहले का है। अक्टूबर में आटा स्टार्ट हो गया था और सरकार की ये स्कीम थी कि पहले गेहूं डिस्ट्रीब्यूट करे और फिर आटा, ताकि सभी को सुचारू रूप से आटा मिल जाए। डिपो होल्डर पर कार्रवाई करने की बात तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कब होगी और ग्रामीणों को कब डिपो से खाने लायक राशन मिलेगा। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से विकास की रिपोर्ट।